नासदासिन्नो सदासित्तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परोयत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई ये पंक्तियां 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, पर इनमें अब भी इतनी ताजगी है मानो अभी अभी लिखी गई हों। संस्कृत एक अद्भुत भाषा है, इसमें लय है, गति है, लचीलापन है और मधुरता भी, साथ ही ये नपितुली है, सटीक है। आज से 2600 साल पहले पाणिनि ने जो व्याकरण के नियम बनाए, संस्कृत आज भी उन पर चल रही है। चौथी और छठी सदियों के दरमियान गुप्त निजाम जहनी और आर्थिक विकास का मापदंड बन गया। गुप्त काल को हिंदुस्तान का सुनहरा दौर माना जाता है। संस्कृत साहित्य के अमर महाकाव्य इसी दौर में लिखे गए।
काल में ही इस सांस्कृतिक विकास की नींव डाली गई थी। इसके बाद गुप्त काल में शिखर पर पहुंचने तक बाहर से आई यूनानी, शाका और कुषाण जातियों ने भी भारतीय संस्कृति और कला को बढ़ावा दिया। यहां तक कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि स्वर्ण युग गुप्त काल नहीं कुषाण काल था। इस दौर की शिल्प कला बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, जिसके नमूने हमें दक्षिणी और पश्चिमी भारत के चैत्यों और विहारों में मिलते हैं, जैसे कि अजंता। अजंता की दीवारों पर बनी तस्वीरें हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जो ख्वाब है और हकीकत भी। इन तस्वीरों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया। महात्मा बुद्ध ने कहा था, औरतों से दूर रहो, उनकी तरफ नजर तक न उठाओ। लेकिन इन तस्वीरों में सुंदरियां, राजकुमारियां, नाचने गाने वालियां, उठते बैठते, श्रृंगार करते, समारोहों में भाग लेते दिखाई देती हैं। इन तस्वीरों को बनाने वाले बौद्ध कलाकारों ने कितनी गहराई से, कितनी शिद्दत से अपनी दुनिया को महसूस किया होगा, और उतने शदीद जज्बे से ही उन्होंने शांत और गैर दुनियावी बोधिसत्व की तस्वीरें भी बनाई। गुप्त काल से पौराणिक देवी देवताओं की आराधना के लिए मंदिर स्थापित होने लगे। पौराणिक देवताओं और कथाओं पर आधारित शिल्प वस्तुएं बनने लगीं, जिनकी कला शैली बौद्ध कला से काफी मिलती जुलती थी। इसके अलावा श्रृंगार रस पर आधारित शिल्प कला का भी विकास हुआ। विदेशियों की देखा देखी राजा महाराजा भी अपनी प्रतिमाएं बनवाने लगे। गुप्त वंश के राजाओं ने नृत्य, संगीत और नाटकों को भी बढ़ावा दिया। कुतुब मीनार के इस स्तंभ को गुप्त वंश के विक्रमादित्य ने विजय स्तंभ के रूप में बनवाया था। इस पर बहुत उम्दा कारीगरी की गई है। सबसे ऊपर है एक कमल का फूल, गुप्त वंश की निशानी। गुप्त काल की जो खासियत थी, जिस वजह से उस काल को गर्व से याद किया जाता है, वो थी कला और साहित्य का पुनर्जन्म। वेद, महाभारत और रामायण के महान युग के बाद ये संस्कृत साहित्य का शानदार काल था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने दरबार में उस जमाने के सबसे महान लेखक और कलाकार जमा किए, जिनमें कवि और नाटककार कालिदास भी थे। कालिदास समेत तमाम नाटककारों की भाषा में संस्कृत के अलावा प्राकृत का इस्तेमाल किया गया है। आम बोलचाल की प्राकृत और ऊंचे वर्ग की संस्कृत के मेल का मकसद था नाटकों को आम दर्शक के करीब लाना। कालिदास के जमाने से कुछ पहले सातवाहना काल में मृच्छकटिक या मिट्टी की गाड़ी लिखा गया। शूद्रक के इस नाटक में उस दौर की वास्तविक झलक मिलती है। हाँ तो मदनी की तूने किया का करो, तमने कछु करबो को तो कहो ही नहीं। नहीं कहा? नहीं। लगत है कि तुम किसी के प्रेम में पागल हो गई हो, तभी तो तुम्हारी मति इती उती हो रही है। किसी के मन की बात तो कितनी अच्छी तरह समझ लेती है। अच्छा, ये तो बड़ी खसी की बात है। बताओ तो सही, बोरा जो है कि कान्हई दरबारी? मुझे पूजा नहीं, प्रेम चाहिए मदनी का। बोरा जो नहीं है अन्ना ही दरबारी, बताओ ना कौन है वो? अगली, क्या तू मेरे संग कामदेव के मंदिर नहीं गई थी? हाँ गई तो थी। तो फिर ऐसी अनजान से क्यों बन रही है? अच्छा अब समझ में आई, वो राजो को दुष्ट सालो जो आपके पीछे लगो थो, तभी जो ने आपको ओसे बचाओ थो, वही ना? अच्छा तो उनका नाम बता। अच्छो सो नाम है तो चारुदत्त। तूने ठीक कहा, चारुदत्त। पर लोग बाग तो कहा था कि वो गरीब है। कुछ भी हो मैं उन्हें चाहती हूँ। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि मैं धन के लिए ही लोगों के पीछे भागती।
तभी तुमने अपने गहने उनके इतने छोड़ दिए हैं, है ना जयबार? तू बहुत समझदार है मदनिका। उसने मुझे पुष्करंडक उद्यान में मिलने को बुलाया है और अपनी गाड़ी भी भेजने को कहा। अगर तुम उन्हें चाहत हो तो तुम उन्हें मिलने जरूर जाओ। ला हमार 15 सोने का मुद्रा। हाँ देखा देखा, पहले चाल तो चलो और बाकी 10। अरे देखा कहा ना, चाल तो चलो पहले। ले ओ चार, आओ नौ का दाओ। चलो रही लमार डा। हाँ देखा चलो चलो चलो। अरे यू हमारा रहा, लाओ 5 सोने का मुद्रा। अरे 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 हमारे 10 सोने का मुद्रा लेके वो नवा भगा जाते। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो का, अरे वो बदमाश जुआरी का कोई पकड़ो। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, उठ सारे को देखो देखो जाके। अरे अरे उस तो नाव के ऊपर हमारा 10 सोने का मुद्रा निकले थे, हमसे पकड़ा ही तो का कहा चला गया है, कहा चला गया। अरे देखो जाके तू, उसको ढूंढो तो जाके। अरे तू अपन के नरक में भी जाए बे, तब भी हम करके नहीं आ रहा। यहाँ आके खड़ा हो, हम जैसे सम्मानित माथुर के ठगे वाला बीच धोखेबाज चोर चक्कर, चल चल निकाल दे दे हम माई बाप। अरे दे कही लेना माई बाप, दे दे हम हमका कुछ रोज समय तो दो। नहीं अब्बे दे, अब्बे अब्बे हाँ अब्बे अब्बे। अरे हाँ हमार तो माथा घूमत बा, माथा घूमत। हाँ हमार तो सोने का मुद्रा, ठोस सोने का मुद्रा। अरे निकाल ससुरा के निकाल। अबे कहाँ से लाई माई बाप, कतौ से लाई के दे, चाहे अपन पप्पा का ब्याज के दे। पप्पा पप्पा कहाँ से लाई बाप, तो अपन मतारी का बेच के दे। माई भी नहीं खा माई बाप। अरे तो अपना खुदाई का बेच के दे, हमका दे हमारे पास। खुदाई का बेच के, खुदाई का बेच के दे। हाँ। तो हमका तनिक चौक तक तो ले जाओ बाबू। चल चला चौक तक, चल चल आते आते आओ आओ। सुनो 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 सब लोगन, सुना सुना आओ। क्यों ऐसा भला मानस हुई है जे हमरा के माथुर से 10 सोना का सिक्का के बदले में किन लही, कहो कहो। का हम कौन कौन कैसन कैसन काज कर सकीला। अरे हम घर गृहस्थी का सब काम कर सकीला। ये मानस तो चल गई ला। ये मालिक, ये मालिक, इस गुणवान नवा का मूल्य खाली 10 सोना का सिक्का, खाली 10 सोना का सिक्का। हमका खरीदवा, हमका खरीदवा। ये देखो मालिक, हमका खरीदवा। अरे हमका खरीदवा खरीदवा। अरे सुनो सुनो कौन आई। अरे जब से हमरे मालिक चारू दत्ती जी गरीब भइल है, तभी से हमरा कौनो रखवाला नहीं। अरे हमरे तो करम फूट गइल बा। निकार हमरे रकम निकार 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 निकार। अरे कहाँ से निकारे, कहाँ ना हमने बात नहीं है। नहीं नहीं तो हम बताए। हाँ मारो सारे। अरे 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 तो बचवा दो हमका इस कसाई से। अरे ये बचाओ, अरे ठहर सारे, आज तो एक नहीं छोड़ो। पकड़ो सुरक्षित है। मदनिका द्वार बंद कर दे। किससे डर है आपको? हमारे ऊपर वो माथुर के 10 सोना का सिक्का उधार बढ़ुए। मदनिका द्वार खोल दे। मालकिन हमारी मलकिन जानवे चाहत है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इतने कैसे आन भयो और कौन से डरे हुए हो? पाटिल पुत्र हमारे जन्म स्थान बढ़ुए, घर द्वार के हम संतान बानी, हमारे धंधा मालिश करे का हुए है। अच्छी कला सीखी आपने मालकिन, एकरा के तो हम कला समझ के सीख ले रही,
पर अब तो ये खाली हमार धंधा बन के रह गए, का करी। ओहो, आगे सोई कहो। आवे जावे वालन के मुंह से सुनत रही कि ये नगर बहुत अच्छा और सुंदर हवे, यही खातिर अपने बाबूजी के संग हम यही नगर चलाईली और एक मानुष के संग लग नौकर रह गई। वो मानुष तो ऐसन के ओसन मानुष मिलत मुश्किल, उनका तो सारे जहां का चिंता आपन लागत रहेला, केहू के दुख कष्ट उनका लागल के आप आपन दुख कष्ट हुए। का ऐसा भी कोई आदमी जो उज्जैनी में है? मेरा हृदय कह रहा है मैं नहीं जानती। अरे तभी उनका नाम बताओ ना। कौन हुए जो उनका नाम नहीं जानत बा? अरे वो तो चारों दिशाओं में चंद्रमा के समान चमकत बारन। उनका नाम बड़ुए श्री चारु दत्त। मधुमिका, आर्य को पंखा झेलो, देखने भी आर्य कितने थके हुए। आर्य आप यहाँ इस आसन पर बैठिए, इस घर को अपना ही समझिए। भाई अपने मालिक का नाम लेते हमार पूछ कितना बढ़ गई। अब नहीं मालिक नहीं, हम यहाँ ठीक बानी। आर्य अपनी कथा आगे सुनाए। अपने मालिक के हाथ पांव दबाते हम तो अपने दिन गुजारते रही, पर यही दिन से हमार मालिक निर्धन भइले वही दिन से हम जुआ खेलते लगी और अपना जमा पूंजी गवा दे ली। हमार कर्म बेरी भइले, वो माथुर से हम 10 सोना का सिक्का हार गइल बा। अरे कोई पकड़ो रे! अरे चोर है चोर, इसी घर में घुसो है, देखो मालकिन वो आ गई अपने संग लेके। मालकिन अब आप ही बताओ हम क्या कर रहे हैं, हमको तो का ही सूझत नहीं। सुन सुन, जाकर उन्हें ये दिया और कहना आर्य ने दिया। जैसे तमई मनसा। आर्य आप निर्भीक होकर प्रस्थान करें। अगर हुक्म होए तो आपने कुछ सेवा कर दी ही। आप जिनकी सेवा करते आ रहे हैं सदा उन्हीं की करते रहिए। ना ही कहे का कैसन सुंदर ढंग बा। मालकिन जुआ के खेल में हम तो बर्बाद हो गई, आज ऐसे काने पकड़त बानी कि अब कभी जुआ नहीं खेलब, अबे हम बौद्ध भिक्षु बन जाए। अरे इतनी उतावली ना कीजिए। नहीं मालकिन नहीं, हम सोच ले बानी कि अब जुआ खेल के और बेइज्जत नहीं हो, अब बौद्ध भिक्षु बनी रास्ता पर माथा उठाई के चला। मदनिका, मदनिका, आर्य वसंत सेना से कहो कि चारू दज्जी की गाड़ी बाहर आए गई है। धर्म का संचय करो, संचय करो नित धर्म का, संयमित मित व्ययी हो तो ध्यान में जीवन लगा। धर्म का संचय करो नित धर्म का। इंद्रियां ये 5 लगती चोर सी हमको सदा, इंद्रियां ये 5 लगती चोर सी हमको सदा, धर्म की चोरी करें ये दृष्टि इन पर हो सदा। नित्य होता नष्ट सब कुछ, धर्म ही रहता सदा। धर्म का संचय करो नित धर्म का। इंद्रियों को अहम को अज्ञान को तुम नष्ट कर दो, इंद्रियों को अहम को अज्ञान को तुम नष्ट कर दो। देह का शुद्धिकरण कर स्वर्ग में आसन गहो। नित्य होता नष्ट सब कुछ, धर्म ही बचता सदा। धर्म का संचय करो नित धर्म का। मूड मुड़वाता कोई और मुंह को मुड़वाता कोई, मूड मुड़वाता कोई और मुंह को मुड़वाता कोई, मन बुराई का है घर जिसको न चमकाता कोई। लालसा और व्यर्थ के अभिमान की हो स्वच्छता, लालसा और व्यर्थ के अभिमान की हो स्वच्छता। मूड मुंह को छोड़कर दीपक जलाओ ज्ञान का। नित्य होता नष्ट सब कुछ, धर्म ही बचता सदा, धर्म ही बचता सदा। बुद्धं शरणं गच्छामि। अरे ये हमारे चीवर तो किचड़ाइल पानी में खराब हो गए बा, अब का करी। चलो हम इका तीमा खंगाल ले। ये राजा के सार के बगान हुए, यही लागी कि वहां ज्यादा देर रुकल ठीक नहीं। हाँ
अरे दुष्ट रुकी जा, क्या करियो? अरे ये तो राजा का साला संस्थान की आ गई। हे देव, आप क्या करी, कुछ सूझत नहीं थे। अरे कौन जानी कौन भिक्षुक एकरा के का कर देला थी, तो सभी भिक्षुक की जान का दुश्मन बन गई बा। हे देव, अब आप ही बताओ क्या करी, कहाँ जाई। अब तो एक ही रास्ता बा, चले बुद्ध की शरण मा। बुद्धम शरणम गच्छामि। अरे झूठ, तू जा आए काय को। चीवर धोए रहिल श्रीमान। अच्छा, तू धोबी घाट समझ लियो के, जे कुआ तेरे बाप की है, जे कुआ मेरे जीजा ने मोए भेंट में दियो है। मेरी भी हिम्मत ना होती, मैं जामे नहाऊं, और तू तू जामे चीवर धोतू है। अब दे, मैं कैसो मुक्को मार के मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उसे। छोड़ दूं? नहीं, मैं दिल से पूछ लींदे, दिल मोरे प्यारे, ये भिक्षु जिए या मरे। जाने भी दीजिए सर, जाने भाई, आप जाए जाइए भाई। बुद्धम शरणम गच्छामि। ओ बैला महाराज, छोड़कन देर से भागोगा, मछलियां बैला होगा हमें। अरे सूरज देर तक मुड़ के ऊपर आ गया, हमें देर होगी तो संसारिक मार मार के मोरे हार गोड़ा में तोड़ डाली। अरे अंदर ले आ शिवाय, अंदर ले आ। कौन डहार ला, गाड़ी भीतर लाऊंगा महाराज। अरे यहीं से जहाँ से दीवार टूटी है। और गाड़ी बैला टूटा टूटा जाय तो गा। अरे काहे को बक बक करतू है, टूट जाने दे सब कुछ, अंदर ले आ। ओ महाराज मोरता जाय, चल रही बेला, चल रही गाड़ी। अरे जाके देख गाड़ी में सब कुशल मंगल तो है। हट, तू हट, ये गाड़ी तेरे बाप की है, क्या मैं तू बैठ हो जातू है, मोको बैठन दे पहले। ये गाड़ी में कोई राक्षसी बैठी है, कैसी बात करते हैं भला, भला गाड़ी में कोई राक्षसी बैठेगी, मैं देखता हूँ। हे भगवान, एक हिरणी स्वयं आज बाग के पीछे चली आई है। तुम यहाँ? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम। नहीं नहीं, मैं तो सुनिए, वसंत सेना आपके दर्शनों के लिए आई है। वसंत सेना, हट तू। ओहो हो, मेरे भाग्य खुल गए। वह दिन मोशे रूठ गई थी, आज जाके पावन पे गिर के मैं माफी मांग लूंगा। हाँ, यही उपाय उत्तम है। ए, तू मुझ पे नजर रखियो। ओ मेरी अम्मा, ओ मेरी माटो, दो हाथन जोर मैं विनती कर तो। वह दिन मोशे भूल भई, वा को तू बिछड़ा दे प्यारी, माफ मोहे कर दे, मैं तो हूँ जन्मों से तेरो रूप पुजारी। तू हट मुर, ए पावरा कदा चले। महाराज, तू इस पैर मानी को काट उठा लाया। महाराज, रजवाड़ा के रास्ते में भीड़ हो गए रहीस, मैं उद्यान के पास खड़े रहो, कावर की एक थीन गाड़ी फंस गई रहीस, ओला धक्का देवर में उतरे रहो, तत्के जवान डोकिला अपन गाड़ी समझ के बैठ गई हुई। ओ अच्छा, तो तू मोसे मिलने ना आई है। उतार मेरी गाड़ी से, उतार उतार। तू तो उस कंगले बमना से मिलने जा रही है ना, जई बात। वादिन वादिन मोकु ठुकरायो, आज मेरे मुंड पे लात मारो। उस्ता, तूने मेरे गुस्से की आग को सुलगा दियो है। इधर आ, एक एक काम कर गो। पाप को छोड़कर हर काम करने को तैयार हूँ। अरे जामे पाप की सुगंध भी नहीं है तो बताइए।
बसंत सेना को मार डाल। क्या कहा? उज्जैनी की उस सुंदरी को, एक निर्दोष स्त्री को मार डालूं? ऐसा काम करके मैं नरक में सड़ूंगा। ये भगवान से डर तो है सर। तू मरियल सियाल है, मरियल सियाल, तू हट जा। स्थावरक जी इधर आओ। देखो स्थावरक जी, मैं तुम्हें सोने के खनवे पहनाऊंगो। पहनू महाराज? मैं तुम्हें सब दासन के मुखिया बना दूंगो। बनाऊ महाराज? हाँ? फिर मैं जो कहूँ वो करी। करूँ महाराज, हुक्म करो। बसंत सेना को मार डाल। नहीं मोरे दद्दा, बोलो माफी थे, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकूं। हट! तू मेरा दास है कि नहीं? हूँ महाराज। फिर काय डरता है? परलोक से डरता हूँ मालक। हट! की परलोक है? मालक ऐसा पाप करो तो जन्म जन्म तक दास बने रहो। तो पाए को नहीं मारोगे? नहीं मारोगे ना तो ले, 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 जितने मारते हैं मार दे। मैं ऐसे पाप नहीं करूं। ये जन्म में जाता हूं, अगले जन्म में जाता हूं, नहीं बनने चाहूंगा। अब हो गई महाराज। दीदी मेरे काम में मेरा कोई हाथ नहीं है। तू भाग जा यहां से, भाग जा, फिर कभी अपनी मुंह मत दिखाइयो। जा बसंत सेना, तू मरने के लिए तैयार हो जा। मेरे होते हुए तू ऐसा नीच काम नहीं कर सकता। तू मुझे मारता है? मैं तो उसे बस डराए रहता हूं ताकि वो मेरे प्रेम मंजूर कर ले। तेरे सामने वो लजाई रही है जैसे अपनी प्रेम ना जताई रही है। एक काम करो को, तू यहां से चला जा, जैसे मेरे काम बन जाओगे। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जाता हूँ। नहीं आर्य, आप मुझे छोड़ के ना जाएं, मैं आपके शरण में हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कि वसंत सेना को तेरे पास धरोहर के रूप में छोड़कर जा रहा हूँ। शीघ्र ही मैं इसे लेने वापस आऊंगा, समझे? वसंत सेना, पहनाऊंगा मैं तुझे सोना ही सोना, सोने की तारों में तू अपनी प्रीत पिरोना। सोने की तारों में तू अपनी प्रीत पिरोना। मेरे मुकुट चरण पे तेरो प्रेम मुझे देना। मेरा मन न कटे तेरा रूप खिलौना। कंगले से तू प्यार न कर, मैं तो दूंगा सोने की माला। नहीं जानती तू मुझे, मैं हूँ राजा जी का शाला, मैं हूँ राजा जी का शाला। आम के हरे भरे पेड़ को छोड़कर क्या मैं प्रेम करूंगी एक सूखी झाड़ से? अच्छा, चारुदत्त आम को पेड़ होएगा और मैं सूखी झाड़ी? क्या करी तू? तुम मुझे गाली दे रही है, वाको मान बढ़ा रही है। चारुदत्त की चहेती बुलाओ उसे, अगर उसमें शक्ति हो तो बचा ले। तो मरी गई, सचमुच मरी गई। बसंत सेना, मुझ मर गई। अब मैं जाके अदालत में आरोप लगा देती कि चारुदत्त ने मेरे पुष्पकरण उद्यान में बसंत सेना को ले आयो, वहां गला दबा के मार दियो। चढ़े आप मैं क्या करूं? गच्छामि।
न्यायाधीश महोदय आ रहे हैं। इधर इधर शोधनक, आज कौन कौन न्याय की इच्छा से आए हैं? न्यायाधीश महोदय पधार चुके हैं, जिन्हें न्याय चाहिए वो उपस्थित हो। मोको न्याय चाहिए, मेरे नाम को डंका चारों ओर बजंतु है। मैं राज घराने का सदस्य हूं, मैं राजा को साला हूं, पूरे देश को साला हूं मैं। ए, राजा के साले साहब, नियम से भाई आप न्याय चाहते हैं? चाहता हूं। कहिए कहिए, किस पर अभियोग है? मैं पहले बता दूं कि मैं कौन हूं। मेरे बाप राजा के ससुर हैं, मैं राजा को साला हूं और राजा मेरे बहन के आदमी हैं। अरे भाई ये बात तो सभी जानते हैं, बात क्या है सो कही। बता तू इतनी जल्दी काय को है? ए, खड़े होके है नियम। मैंने अपराध नहीं किया है, बात ये की मेरे बहन के आदमी यानी कि मेरे जीजा ने मुझ पे खुश होके मैं पुष्पकरंड को ध्यान भेंट में दियो है। तो आज सवेरे जब मैं वहां गयो तो मैं जो देखो वो पे विश्वास नहीं भयो। काय? मैं देखो वहां पे एक औरत की लाश बिछी थी। लाश? क्या आप जानते हैं किसकी लाश थी वो? जानू मैं, बाकू कौन है जाने। वो लाश थी वसंत सेना की। कोई लालची बाकू सुने उद्यान में ले गयो, वहां पे बाकू सारे गहने उतार लियो, बाकू कला घोट के मार डालो। मैं नहीं। नगर सैनिक भी कितने असावधान हो गए। मुंशी जी, जी मैंने नहीं, इनकी ये बात सबसे पहले लिख लीजिए। जो आज्ञा। ओ न्यायाधीश जी, क्या झमेला है? मैं कह रहा कि मैंने न्याय देखी यकी वो घटना अपनी आंखों से बस। लेकिन आपने कैसे जाना कि धन के लोभ में ही उसे गला घोंट कर मारा गया है? मैं मूर्ख नहीं हूं, बाकू गला सूझ गयो तो बाकी शरीर पे एक कड़ गहना ना है तो बाकी मैं सोचू। न्यायाधीश महोदय, सच्चाई जानने के लिए वसंत सेना की मां की उपस्थिति आवश्यक है। अवश्य। शोधनक जी सरकार, जाकर वसंत सेना की मां को लिवा लाओ और हां देखो उन्हें कोई कष्ट ना हो। जो हुकुम। आइए। श्रीमान आप सभी सुखी रहें, प्रसन्न हों। स्वागत है आपका। यह बतलाइए वसंत सेना इस समय कहाँ है? वो अपने मित्र के यहाँ भेंट करने के लिए गई है। न्याय सभा को उस मित्र का नाम बतलाइए। मेरी पुत्री के मित्र हैं सागर दत्त के पुत्र, विनय दत्त के पौत्र चारु दत्त। वो व्यवसायियों के मोहल्ले में रहते हैं, मेरी पुत्री उन्हीं से भेंट के लिए गई है। सुना सुना आपने, मैं वाय पे तो आरोप लगा तू वाय पे। पर चारु दत्त तो उसके मित्र हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं कि उन्होंने ही हत्या की हो। ऐसी स्थिति में चारु दत्त से पूछना ही उचित होगा। हाँ श्रीमान। शोधनक क्यों आ गया सरकार? यहाँ आई आदरणीय चारु दत्त जी, न्याय मंडप और माननीय न्यायाधीश जी को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है आर्य। शोधनक आर्य चारु दत्त को आसन प्रदान करो। जी देखा, एक स्त्री के हत्यारे को बैठने को जगह दी जा रही है। देव देव आपको तो पूरा अधिकार है, जे का न्याय है नहीं, आप तो सर्वे सर्वा हो, कुछ भी कर सकते हो। चारु दत्त, न्याय सभा को ये बताइए कि इस भद्र महिला की पुत्री वसंत सेना के साथ आपका कभी किसी तरह का कोई लगाव या किसी तरह की कोई मित्रता रही है? और ये भी बताएं कि
आप बसंत सिन्हा को कब से जानते? देखो कैसे संकोच कर रहे हो, एक अपराधी ऐसे ही संकोच करो है। उत्तर दीजिए चारुदत्त, न्याय सभा आपसे पूछती है, इसलिए संकोच ना करें। मुझ पर आरोप किसने लगाया? मैंने? तो आप पागल हो गए? आप इनकी बात पर ध्यान ना दें, ये बताएं कि आपके उनसे संबंध थे? जी हाँ। इस समय वो कहाँ है? आर्य उत्तर दीजिए। उससे मिलने के बाद वो घर गई हैं। मैं बस इतना ही जानता हूँ। बस इतना ही ना है? और वाकू वाकू फुसलाए के वाकू मेरे पुष्प करंडा को ध्यान में ले गयो, वहां वहां वाकू कला दबाए के वाकू मार दियो, वाकू सारे जेवर चुराए लियो, वाकू वाकू बारे में बताओ। मुझे तो ये निर्दोष लगते हैं। ए, फैसला नहीं, फैसला मत सुनो, न्याय सुनो, न्याय मुझे सही न्याय चाहिए। ये सत्य नहीं है श्रीमान, मेरी पुत्री ने गहनों की पिटारी चारुदत्त के पास रखवाई थी, परंतु जब उसे एक चोर चुरा ले गया तो उन्होंने उसके बदले उन गहनों से अधिक मूल्यवान हार भिजवाया था। ऐसा व्यक्ति चंद गहनों के लिए किसी की हत्या कर सकता है? चारुदत्त वो पैदल गई थी या किसी वाहन से? मैंने अपनी गाड़ी तो दी थी, पर शोधनक पुष्प करंडक उद्यान जाओ और जाकर देखो वहाँ किसी स्त्री की लाश तो नहीं पड़ी है। जो आज्ञा सरकार। सरकार वहाँ उद्यान में एक मेहरारू की लाश तो पड़ी है, वह उका जिनावर खाए गए हैं। तुमने कैसे जाना कि लाश स्त्री की ही है? सरकार उनके लंबे लंबे केस और हाथ पांव देख के। ओह, जो जो विचार करता हूं उलझन और बढ़ती जाती है। चारुदत्त तुम ही कहो सत्य क्या है। जे? आप सभी मुझे जानते हैं कि मैं एक स्त्री के भोले जैसे शामन लंबे केशों को पकड़कर उसकी हत्या करूंगा। ये काम हो रखता है, हत्यारा अभी तक ऐसे ही खड़ा है, ये कहना है? पर मैं निर्दोष हूँ। कही दे, कही दे चारुदत्त, तूने ही बसंत सेना की हत्या करी है, कही दे। आप सब बच्चन के हमार जोहार। हमार हमार संगवारी का कौन? चारुदत्त। हाँ ये तो खड़े आपके साथ मित्र कल्याण हूँ। हाँ मित्र, अब तो कल्याण ही है। क्या बात है, अपना कहीं यहाँ काहे बुलावा गवा? इन्हें मैं हत्यारा लगता हूँ। प्रीत जिससे की उसी की हत्या, शेष तुम्हें ये लोग बताए। का ऐसा आरोप कौन लगावा है? भाग्य ने, हाँ भाग्य ने ही मुझ पर ये आरोप लगाया है, इस व्यक्ति का रूप धरकर। श्रीमान जी ये सब का है? गरीब गुजरन के खातिर जॉन मनाई अपनी सगरी संपत्ति दान कह दी, धर्मशाला मंदिर कुआं बावड़ी बनवाए की उज्जैनी नगरी की शोभा बढ़ाईस, वही तुच्छ गहनन के खातिर एक औरत की हत्या करी। कमाओ नहीं, और तू नीच दगला जहजार के दस्त सारे बंदरा उल्लू के पैसे साले, तो हिम्मत है तो हमारे सामने कह के दे, अगर ना ये लाठी से तुहार के पैर न फोड़ दे तो पाको गहने हैं, जे पा सुंदरी के बचन सेना के गहने हैं, इन्हीं के लिए जाने बा की हत्या करी है। कहिए क्या ये आपकी पुत्री के ही आभूषण है? लगते तो ऐसे ही हैं, पर नहीं नहीं श्रीमान, ये मेरी पुत्री के आभूषण नहीं। अरे वाह, बारे बूढ़ी कुटनी, जे जे क्यों कह रही है कि जे बा के गहने नहीं है? वाह, क्या ये गहने आपकी संपत्ति है चारुदत्त? नहीं। तब किसकी है? ये इन्हीं की पुत्री के गहने हैं। ये उसके शरीर से उतरे कैसे? मैंने इसे वसंत सेना के घर भेजा था ताकि वो इन आभूषणों को वापस कराए। वसंत सेना ने ये गहने मेरे पुत्र को सोने की गाड़ी बनवाने के लिए दिए थे। झूठा लबाड़! तूने नहीं, तूने भाई को फुसलाए के उद्यान में ले गया था। नहीं नहीं, तूने ही भाई की हत्या करी है। नहीं, तूने ही भाई के जेवर चुराए हैं। नहीं नहीं,
जाके उल्टी सीधी बातें बना रहे हो? नहीं नहीं तूने नहीं मान क्यों नहीं लेता? कह दे कह दे मैंने हत्या करी है। तुम्हें क्या तो दिया? देखा मान लिया ना। ये कह रहा है जेने बाकी हत्या करी है। बस नहीं चाक। अब चाको प्राण दंड सुनाया जाए। न्याय सभा के सामने अब और कोई उपाय शेष नहीं है। शोधनक चारुदत्त को बंदी बना लो। वाह आज मैंने बहुत बड़ो काम पूरा किया है। सुने 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 सगरे लोग सुने ई मने विनय दत्त के नाती और सागर दत्त के बेटा चारू दत्त है। ई दुष्ट बसंत सेना के फुसलाए के पुष्पक रंडक बाग मा ले गवारा और हुआ गहना के खातिर ओका गला दबाए के मारी डारा। एका चोरी के गहनन के साथ पकड़ा गवा है और ये आपन जुर्म कबूलत है। महाराज पालक के हुकुम है कि हम एका सूलिप चढ़ाए दें। ऐसा अपराध करे वाला के महाराज ऐसा दंडी है। परम सम्माननीय चंडालगण मेरी आपसे एक विनती है। हम चंडालन से दया दान चाहतो का? नहीं 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 मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। राजा पालक चंडालों से बढ़कर चंडाल और कौन हो सकता है? मैं तो बस मृत्यु से पहले एक बार अपने पुत्र से बात करना चाहता हूँ। ठीक है हमको कोनो आपत्ति नहीं। पुत्र तुम्हारे शरीर की कैसन दुर्दशा हो गई है। पुत्र तुझे क्या दूं? तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पर हाँ एक बात का ध्यान रखना, धर्म के मार्ग से कभी मत हटना। चारुदत्त हारे ना रहो, उठो आगे बढ़ो। तुम लोग मेरे पिताजी को कहाँ ले जा रहे हो? पुत्र मुझे ले जा रहे हैं ये उस वध स्थल तक जहाँ मैं लूंगा अंतिम सांस जीवन की। बेटवा चांडाल कुल में जन्म लेके भी हम चांडाल नहीं। हमार मन में कौनो कठोरता नहीं। कठोर तो वो लोग हैं जो भले मने के दुख पहुंचावत हैं। तो फिर मैं क्यों मार रहे हो? बिटुआ हम तो महाराज की आज्ञा का पालन करत रही। तो इनके बदले मेरी जान ले लो, पहले छोड़ दो। तुम तो ऐसन बात करत हो लल्ला, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हुई। चलो आगे ही चलो। तो मैं निर्दोष चारुदत्त ला मारे भर जाते का करो मोर मालिक ला मैं बांध दिए। वो चिल्ला चिल्ला की सच्चाई बताई चाहिए। सुनो भैया सुनो, अरे गाड़ी की अदला बदली हो गए रईस। मैं अपनी गाड़ी में धोखे से बसंत सेना के मिठाई के पुष्परंडक बगीचे ले गया हवे। वहाँ बसंत सेना मेरे मालिक का प्रेम को ठुकरा दीस। तुम मेरा मालिक हो के मारे हवे। चारुदत्त निर्दोष हवे, वो हत्यारा नहीं हवे। चिल्लादन की आवाज सुनाई दे रही है। देखो तो देखो शत्रु को मरते हुए देख बड़ी खुशी होती। ऐसे हो जाते ऐसा कर भी दे अगले जन्म में आग का कोई रोग नहीं होते। ठीक है चारुदत्त को वध स्थल पे ले जा रहे हो। वो देखे वो इतनी भीड़ जमा हो गई। सोचो तो बाकी जगह मेरे जैसे महान आदमी को ले जातो तो कितनी भीड़ जमा हो जाती। और कहां गयो? भागे कहीं मेरे भेद खोल दियो तो।
रुको भैया रुको। क्या बात है? मोरा मालिक संस्थानक वसंत सरा को मारतस भैया। ये क्या कहा तो? सच कहूं भाई, चार दो निर्दोष है, ये हत्या नहीं करे। स्थावरक 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 इधर इधर आ। तू मेरा बेटे जैसे है, घर चल बेटे। दुष्ट वसंत सरा को मार के तेरे दिल को शांति नहीं मिली जो चार दत्त को मार रस? मैं लोगों के बीच सोने के गहने हूँ, क्या मैं एक औरत को मारूंगा? चार दत्त निर्दोष है, उन्हें हत्या नहीं की है। और कौन कह तू है? मैं कह तू उन्हें हत्या नहीं की है। झूठ यही मेरा सोने के गहनों चुराओ तो जिसके लिए मैं इसके हाथ पांव बांध के सजा दियो तो अब जे माँ पे इल्जाम लगाओ तो अब इसको विश्वास करोगे नहीं ना? ये इसको ले, मैं जो कह तुम वो के। देखो भैया देखो, ये मोला सोने का काम देता है। जे सोना जे चुराओ तो इसके लिए मैं इसको सजा दियो तो अब माँ पे विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हें लोग जी का फल भुगतोगे। हाँ खान जी ठीक कहते हैं, उलट पर बात करा था ये। हाँ भैया मतलब माफी दे, नजदीक जितने का तो मैंने करा भैया। ठो तुमने सचमुच पूरा प्रयत्न किया है। भाई चांडाल किसका इंतजार करते हो, जाए के जल्दी से मार का नहीं देते हुए। चलो ए, भागो लाल शिवर। देखो भैया मरे के बेरा हमार पिताजी कहे गए रहे कि जो मारे के तुम्हारी बारी हो तो जल्दी ना ही करे के चाहे। काहे ते कि कभौ ऐसा होता है कि कौनो धनी मानी आय के धन दे जाते है और अपराधी का छुड़ा ले जाते है, तो कभौ राजा के घर लड़का हो जाता है और मारे खुशी के अपराधियन के छोड़ देते है, तो कभौ राजा बदल जाते है और सारे बंदी आजाद हो जाते है। चलो चलो बेटा। चारुदत्त ये जुलम हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अपने मालिक की मर्जी से करत, तो जे को याद करना चाहो कर सकत हो। वसंत सेना को छोड़ और किसकी याद करूं? अरे चारुदत्त अब प्रभु का सुमिरन करें, हम एक बार में अपना के दूसर लोक में पहुंचाए दे। मानुषों की हत्या ना करो, जिसकी मृत्यु के अपराध में आप इन्हें मार रहे हैं वो अभागन मैं हूँ, जीवित आपके सामने खड़ी हूँ। ठीक है जो हमको रोके। अरे क्या दशा हो गई है आपकी? अरे वसंत सेना तो जिंदा ठाड़ी है। ठीक है भला कि चारुदत्त पर फरसा नहीं गिरा। हाँ। हमका इनकर कोनो गलती नहीं लागत है। नहीं हमका चल के महाराज की बात बताए के चाहिए। जो ही फरसा उठाऊ मृत्यु ने उघरा मुंह अपना, तो ही कौन कौन यह चली आई जिसने फिर मुझे खींच लिया यही इस लोक। मैं ही वो पापन हूं जिसके कारण आपकी दुर्दशा हुई। प्रिय वसंत सेना तुम हो? हाँ। तुम मैं तुम ही हो? मैं कांटे जिंदा हो गई से मोए जिंदगी का खतरा है, जो शेपा बैनी भलाई से। मृच्छकटिक के बारे में एक अमरीकी आलोचक ने यूं लिखा है, मृच्छकटिक का लेखक चाहे कोई भी रहा हो, चौथी सदी का था या पांचवी का, वो एक नेक भला और समझदार इंसान था। उसकी भलाई और उसका ज्ञान एक उपदेशक की चाशनी भरी कलम से नहीं दिल से उभरे थे। ऐसा नाटक सिर्फ वो ही सभ्यता पैदा कर सकती है जो पुख्ता और स्थिर होती है। जब कोई तहजीब अपने सारे मसाइल के हल सोच चुकी होती है तो ही इस तरह का शांत और सादा मनोरंजन तलाश करती है जैसा ये नाटक है।